सो हेलो गाइस, आई एम मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कैलकुलस का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। देखिए, उससे पहले आप सभी को क्या है कि अवकलन पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बहुत सी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं डेरिवेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन सभी फॉर्मूलाज की। और कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने होंगे, तो इन सभी को याद रखने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट फैक्ट है आपके पास में कि किसी भी संख्या का, जैसे कोई भी नंबर या कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, तो उसका अवकलन करने के लिए जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है ना, वो होता है डी अपॉन डी एक्स यानी कि एक्स की पावर एन। इसे हम लिखते हैं एन डॉट एक्स की पावर एन माइनस वन, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे उन लोगों के साथ में, क्योंकि सभी लोगों को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को ये फॉर्मूलाज पहले से पता होंगे, तो आई नो कि आप लोगों को पता है, बट प्लीज़ कोऑपरेट विद दिस। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज हियर, डी एफ ऑन डी एक्स इज वन अपॉन एक्स की पावर एन। इसका अगर आपको डेरिवेशन एन के समय अवकलन करना हो तो आप क्या लिखेंगे, माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। सेम इसी की तरह होता है ये फॉर्मूला, अगर ये पता है तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्स की पावर एन है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस एन। और सेम इसी तरह से कर लीजिए आप, माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन, यानी कि माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये नीचे लाने पे प्लस हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको यह पता होनी चाहिए कि अगर साइन एक्स का हम अवकलन करते हैं तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। उसके बाद कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स होता है लेकिन माइनस में होता है। उसके बाद टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार कोट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स लेकिन माइनस में। उसके बाद सेक एक्स का अगर करना हो तो सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का करना हो तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। ई की पावर एक्स का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो बता दो कि ई की पावर एक्स का समाकलन यहाँ पे हो या अवकलन हो, ई की पावर एक्स ही होता है। ओके, उसके बाद है डी अपॉन डी एक्स यानी कि लॉग ई की पावर एक्स। लॉग ई की पावर एक्स का होता है वन बाई एक्स। उसके बाद है साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन इनवर्स के लिए, इनवर्स फंक्शन पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक मिलेगा पक्का 100%। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन होगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का भी सेम साइन एक्स की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे आपका पास साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे आपके पास टेन इनवर्स एक्स का। तो इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे कोट इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर माइनस एक्स का, यहाँ पे आपको सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। और कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, बस आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। आप लोगों को वैसे बेसिकली ये चीज़ें पता ही होंगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्स्टेंट होता है तो उसका जो आप क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्या करना हो, कोई कॉन्स्टेंट हो और उसके साथ में कोई वेरिएबल हो, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, उस कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे और जिस फंक्शन आपको दिया गया है उसका अवकलन कर लेंगे, यानी कि के बाहर ले लेंगे और डी ओ पॉन डी एक्स। कोई यू फंक्शन है तो उसको हम अलग से कर लेंगे, कोई कॉन्स्टेंट है यू एक्स का फंक्शन है। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि वाई बराबर फोर साइन एक्स, तो यहाँ पे आपको फोर को क्या लेना है, बाहर ले लेना है और साइन का यहाँ पे आपको अवकलन कर देना है, तो आपके पास फोर कोस एक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका कोस एक्स का फोर का अगर आप यहाँ पे अवकलन भी करते हैं तो यह सीन शून्य हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट्स के होता है, यानी कि यू डॉट वी का फॉर्मूला जो अभी आप आके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस वी, तो यहाँ पे अगर आपको प्लस में करना हो तो आप अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स माइनस हो तो भी सेम इस तरह से, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि वाई बराबर थ्री साइन एक्स प्लस फोर ई की पावर एक्स माइनस थ्री टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आपके पास में दोनों फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे आप अलग अलग कर दीजिए, इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए थ्री साइन एक्स का थ्री साइन एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स माइनस थ्री टेन इनवर्स एक्स, इससे हमने क्या कर लिया, वाई बराबर मान लिया। तो अब इसका डेरिवेशन काटेंगे आप यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बहुत लंबा डेरिवेशन लिख रखा है, लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि देखिए डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। ओके, उसके बाद देखिए थ्री साइन एक्स का क्या होगा, थ्री लिखिए साइन एक्स का कोस एक्स लिखिए। उसके बाद फोर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, खत्म। उसके बाद माइनस है तो माइनस, थ्री है तो थ्री को ऐसे कैसे ले, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक सिंपल स्टेप में भी आप इसे लिख सकते हैं, उसे थोड़ा सा आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि थ्री कोस एक्स प्लस फोर ई की पावर एक्स माइनस थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस थ्री को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप ये डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, इन सभी को आप में ध्यान रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोग जो आर्ट्स से हैं या कुछ कॉमर्स से हैं तो उन लोगों को थोड़ा पता नहीं होता है, तो आप इस तरह से जा सकते हैं।
ओके, तो उसके बाद है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स यू वी, ये फॉर्मूला आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रखना है, यानी कि याद रखना है इसे। यू डॉट वी का अगर हो तो पहले क्या करते हैं, पहले का क्या करते हैं कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, उसके बाद दूसरे का क्या करते हैं अवकलन करते हैं, प्लस उसके बाद क्या करते हैं पहले दूसरे को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं और पहले का अवकलन कर लेते हैं, बस यही होता है यू वी फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे आपके पास दिया गया है दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स, तो इसका डिवाई बाई डी एक्स निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको मान लीजिए कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपका, तो डिवाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे। तो ये सब स्टेप मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, आगे क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा तो आपको नहीं बताऊंगा ये सब, मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कैसे करना है ये सब बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, फर्स्ट को कॉन्स्टेंट यानी कि एक्स स्क्वायर है आपके पास, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, साइन एक्स का फॉर्मूला कोस क्या हो जाएगा, कोस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे साइन एक्स का कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया टू एक्स, तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कोस एक्स और टू एक्स साइन एक्स, यानी कि इस फंक्शन को आप अलग लिख दीजिए और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बाद में लिख लीजिए। ओके तो ये तो हो गया आपके पास में। उसके बाद देखिए गाइस एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि वाई बराबर एफ एक्स होता है और डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एफ डैश एक्स की द्वारा भी इसे निरूपित किया जा सकता है। कई जगह कि आपको ऐसे मिलेगा कि एफ डैश एक्स ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब भी क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि अगर तीन फंक्शन दिए गए हों जैसे यू वी और डब्ल्यू, तो तीन के लिए भी बस सेम करना है, यानी कि दो को कांस्टेंट मान लीजिए तीसरे का कर लीजिए, फिर पहले और तीसरे को कांस्टेंट मान लीजिए दूसरे का कर लीजिए, फिर पहला दूसरे को मान लीजिए और तीसरे का अवकलन कर लीजिए, तो इस प्रकार से आपको कर लेना। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है तो ये देख लेते हैं, आपको दिया गया कि एक्स साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले दो को कांस्टेंट लीजिए, डायरेक्ट आंसर की तरफ दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले दो को कांस्टेंट एक्स और साइन एक्स, इसको कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे इसको कांस्टेंट लेंगे लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, तो आपके पास बचा कितना सिर्फ साइन एक्स बच जाएगा। ओके तो यहाँ पे देखिए लास्ट में दे रखा है, तो कैसे भी कर सकते हैं पहले लिख लीजिए क्योंकि ऐड करना है सिर्फ आपको, तो ये साइन एक्स हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करोगे, फर्स्ट को ले लिया, फर्स्ट को और थर्ड को कांस्टेंट लीजिए, यानी कि एक्स और लॉग एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कोस एक्स, तो एक्स साइन एक्स कोस एक्स, देखिए एक्स साइन एक्स कोस एक्स और लॉग एक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने लॉग एक्स को कांस्टेंट लिया था, साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स हो गया, एक्स को एक्स और लॉग का यहाँ पे लॉग हो गया। ओके उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग का करना है अवकलन करना है और एक्स साइन एक्स को यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे लॉग का करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, तो आपके पास साइन एक्स लॉग एक्स बचाएगा, तो इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। आप इस पूरी डिटेल से भी कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ओके उसके बाद है आपका ये यू अपॉन वी का फॉर्मूला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यू अपॉन वी का फॉर्मूला है कि डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि जैसे भी आपको दिया गया है यू अपॉन वी, तब सबसे पहले वो नीचे वाली जो संख्या है उसका क्या कीजिए स्क्वायर, ऊपर में क्या कीजिए पहले वाले का जो नीचे लिखा है उसको कांस्टेंट, और पहले वाले का क्या कर दीजिए अवकलन कर दीजिए, माइनस लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे यू यानी कि जो ऊपर वाला है उसे कांस्टेंट ले लीजिए, उसके बाद दूसरे नीचे वाले का अवकलन कर दीजिए, तो बस इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको है कि डिफरेंशियल फंक्शन को हम इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, डिफरेंशियल फंक्शन यू एक्स का डिफरेंशियबल फंक्शन होगा तब क्या हो कर सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या फिर डी यू डी यू खत्म कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स किया जाता है, तो इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हैं। ओके गाइज उसके बाद है यहाँ पे आपके पास में कुछ एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा एस्केप करते हैं क्योंकि इससे अभी आपको समझ नहीं आएगा कुछ कुछ चीज़ें आपको और जान लेने की ज़रूरत है, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपके पास में वाई यू का डिफरेंशिएशन फंक्शन हो और यू वी का डिफरेंशिएशन फंक्शन हो तो यू एक्स का डिफरेंशिएशन फंक्शन होगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आपको दिया गया है और कहता है कि डी वाई वाई यू का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी यू लिखेंगे, और उसके बाद क्या कहता है कि जो वाई यू है वी है वी किसका एक्स है तो डी वी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी वी से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाना है। तो इस प्रकार से अभी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। ओके मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बस आपको थोड़ी सी सिंपल चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब मैं डायरेक्ट आपको कुछ चीज़ें कराऊंगा तो आपको लगेगा कि सर आपने ऐसा कुछ बताया नहीं, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको करना है इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में इतना रखना जरूरी नहीं है। उसके बाद है कि एक्स ए वाई दो अलग अलग एक ही चर के वेरिएबल हैं, ठीक है, एक ही चर के फंक्शन है, तो वाई बराबर हम क्या करेंगे एफ टी और एक्स बराबर हम फाई टी, यानी कि दो फंक्शन आपको दे दिया वो सिर्फ एक ही चर के हैं जिनमें दोनों में वेरिएबल है एक्स और वाई, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया गया ये टी के रूप में है, ये किस में रुपया ये फाइव टी है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या कीजिए पहले वाले फंक्शन का अलग से कर लीजिए डी वाई बाई डी टी से और दूसरे वाले का डी एक्स अपॉन डी टी से, तो इसे आप सोल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी टी से डी टी खत्म और डी वाई बाई डी एक्स जी आपके पास आ जाने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक्स इजिकल टू साइन थीटा और वाई इजिकल टू कोस थीटा, ठीक है,
यहाँ पे देखिए एक्स है ये फलन और ये वाई का है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन चीज़ क्या दिख रहा है कि ये दोनों फंक्शन किस में है, थीटा में। तो आप इस करके कीजिए थीटा के अनुदिश अवकलन कर लीजिए। तो एक्स यहाँ पे आपके पास साइन एक्स साइन थीटा है, उसके बाद थीटा के अनुदिश करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो इसका थीटा के अनुदिश क्या हो जाएगा, कोस थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद आपका एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, उसके डी एक्स अपॉन डी थीटा के अनुदिश करेंगे तो कोस थीटा हो गया, ये तो कर लिया आपने। उसके बाद वाई इज इक्वल टू कोस थीटा यहाँ पे, और इसका थीटा के अनुदिश करेंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा, कोस थीटा का क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। उसके बाद क्या कीजिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास में सेकेंड डेरिवेशन, यानी कि फर्स्ट डेरिवेशन कर लिया आपने, उसके बाद इसका दोबारा डेरिवेशन करना हो तो इस डेरिवेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी ओ एक्स स्क्वायर, ओके। उसके बाद अगर थर्ड डेरिवेशन करना हो या आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डबल डैश से, या एफ टू से भी इसे निरूपित किया जा सकता है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस प्रकार से निरूपित करते हैं, कई जगह पे आपको डी वाई बाई डी एक्स नहीं देगा तो आप कन्फ्यूज हो ना हो, इसलिए मैं बताया। उसके बाद थर्ड डेरिवेशन आपको करना हो तो ये आपके पास हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो बस इतना ही आपको यहाँ पे जानना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हम कल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, प्रॉमिस है आपको कि आप इसके बाद डेरिवेशन से आपको क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं होगी कहीं पे पढ़ने की, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को वेट करना होगा। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर ना करें, शेयर ज़रूर करें सॉरी आप अपने दोस्तों के साथ, और ठीक है प्लीज़। और ऐसे ही अगर अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ में और सपोर्ट करें मुझे भी, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बता सकते हैं कैसा आपको लगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सोन।